हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इससे पहले की वीडियो थी कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में। अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, पर पहले इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए समझते हैं इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं। इंटरनल ऑडिट उसे कहते हैं जिसमें एक कंपनी की अकाउंट्स बुक की जांच या चेकिंग उसी कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट या स्टाफ के द्वारा कराई जाती है। आजकल यह काम बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जा रहा है। यह ऑडिट का काम कंपनी के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो ईमानदार हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और उस पर ट्रस्ट किया जा सके, और ऐसे पर्सन या व्यक्ति को मैनेजमेंट टीम अपॉइंट करती है। यह कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को चेक करता है, उसे वेरीफाई करता है कि कंपनी की सारी चीज़ें सही से रिकॉर्ड की जा रही हैं या नहीं। ऐसा करने का उद्देश्य कंपनी के एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी को बढ़ाना है, जिससे कि वो और अच्छे से काम कर सकें। साथ ही साथ उसमें एरर्स और उसमें होने वाले फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटीज़ को कम करना होता है। इस तरह इंटरनल ऑडिट करने से जो ईयरली ऑडिट की जाती है, जिसमें एक ऑडिटर को बाहर से अपॉइंट किया जाता है, उसे काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये ऑडिटर जो बाहर से ऑडिट करने के लिए आता है, उसे CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। पर इंटरनल ऑडिट करने के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह एक तरह से ऑडिटर की ही तरह काम करता है। यह ऑडिट रिपोर्ट नहीं देता, बल्कि कंपनी के ओनर या मैनेजमेंट टीम को वैल्यूएबल सजेशन या और एडवाइस देता है, जो कि कंपनी को स्मूथली चलने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यह जो इंटरनल ऑडिटर होता है, वह कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लान्स एंड प्रोसीजर्स, इन सबको चेक करता है कि ये फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं। अब इसकी छोटी सी डिफिनीशन देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू टू एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। इंटरनल ऑडिट या आंतरिक अंकेक्षण एक स्वतंत्र परामर्श या कंसल्ट करने की एक्टिविटी है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑपरेशंस हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको और इम्प्रूव करने या उनमें और वैल्यू ऐड करने के लिए बनाई गई है। अब आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, यानी इंटरनल ऑडिट करने से एक कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने का पहला एडवांटेज है डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स। इंटरनल ऑडिट करने का एक फ़ायदा यह है कि कंपनी के अकाउंट्स बुक की जांच होती रहती है, जिससे ईजिली एरर्स और उसमें होने वाले फ्रॉड्स का पता चल जाता है, और एम्प्लॉयज़ भी कोई फ्रॉड या कोई हेरफेर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा यह डर रहता है कि अगर वे अकाउंट्स में कुछ इधर उधर करने की कोशिश भी करेंगे तो वह जो इंटरनल ऑडिटर है उसे इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए वे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ी करने से डरते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज है ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। इंटरनल ऑडिट के थ्रू ना केवल एरर्स और उसमें होने वाले फ्रॉड्स के बारे में जानकारी होती है, बल्कि कंपनी की ऑपरेशनल प्रोसेस को भी टाइम टू टाइम चेक किया जा सकता है। जो काम सही से नहीं किया जा रहा है, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी कमियों को दूर करके उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिससे और भी प्रॉफिट को कमाया जा सके। इंटरनल ऑडिट करने का तीसरा एडवांटेज है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के कामों का एक स्टैंडर्ड सेट करना कि इतना काम इतने टाइम में करना ज़रूरी है, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो वर्क किया गया है उसको उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। क्योंकि इंटरनल ऑडिट करने से अलग अलग कामों से रिलेटेड फिगर्स को कलेक्ट किया जा सकता है, और मैनेजमेंट को इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि कंपनी के सारे काम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं या फिर नहीं। आगे इसका चौथा एडवांटेज है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज़। इंटरनल ऑडिट के थ्रू अलग अलग पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। करंट में जो जो प्लानिंग और पॉलिसीज़ चल रही हैं, उनका एनालिसिस करके उनकी कमियों को दूर किया जाता है, और उन्हें कलेक्ट करके उन्हें इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट को सजेशन भी दिए जाते हैं। इसका पांचवा एडवांटेज है
प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स से मतलब यह है कि असेट्स को अच्छे से यूज़ किया जाए और उसका डिप्रिसिएशन मेथड जो है उसको कैलकुलेट किया जाए, उसे चेक किया जाए, और असेट्स को किसी ऑथराइज्ड पर्सन की देखरेख में रखना। इस तरह इंटरनल ऑडिट के थ्रू असेट्स की सेफ्टी भी काफ़ी बढ़ जाती है, इससे इसके मिसयूज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इंटरनल ऑडिट का छठा और लास्ट पॉइंट है रिलेशन टू कस्टमर। इंटरनल ऑडिट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर्स से गुड रिलेशन बिल्ड होता है। कस्टमर्स से गुड रिलेशन होना बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, इससे बिजनेस अच्छा रन करता है। अगर इंटरनल ऑडिटर केयरफुली बिल्स की चेकिंग करे तो यह पता चलेगा कि कस्टमर से ज़्यादा प्राइस तो नहीं ली गई है, बिल्स को बनाने में कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई कस्टमर किसी गुड्स को वापस किया है तो उसका क्या रीज़न है, वह गुड्स सैंपल्स के अकॉर्डिंग थी या नहीं, इन सब के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस तरह इंटरनल ऑडिटर कस्टमर से गुड रिलेशन बनाने के लिए भी सजेशन दे सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, उसकी मीनिंग और डिफिनीशन के बारे में, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उसको भी यहाँ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करके क्लियर किया है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।